हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी सर्दियां आई विश कि आपकी सर्दियां अच्छी जा रही होंगी। तो सर्दियों में चाय आप सभी लोग पीते हैं, मैं भी पीती हूं, और चाय के साथ डेफिनेटली बिस्किट भी सभी लोग खाते होंगे। और वो बिस्किट अगर घर के बने हों तो फिर चाय का मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलिए आज मेरे साथ मेरे किचन में मिलकर बनाएंगे हम बेकरी स्टाइल कुकीज़, जो मैं दो तरीके से बनाऊँगी, चॉकलेट चिप कुकीज़ और ईजी बटर कुकीज़। और इस वीडियो में जब आप ये वीडियो देखेंगे और रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा अपने कलाकार को अपने अंदर से बाहर निकालने का। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने तरह के कलाकार छुपे बैठे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/2 कप मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ली है, 100 ग्राम्स मैंने बटर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चॉकलेट चिप्स लिए हैं, 1 पिंच मैंने सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। और फ्लेवरिंग के लिए हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बटर। तो बटर जितना अच्छा हमारा रूम टेम्परेचर पे होगा हमारी कुकीज़ उतनी अच्छी बन के रेडी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकी का डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए 100 ग्राम जो है बटर, उसको हम अच्छे से बीट करेंगे, लाइट और फ्लफ़ी होने तक उसको बीट करेंगे अच्छे से। तो बीट करने के लिए मैं इस तरह के बीटर का यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर का। आप चाहें तो इस तरह के बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। तो बटर को एकदम लाइट और फ्लफ़ी होने तक हम इसे बीट कर, बटर को हमने 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। इसकी साइड्स को स्क्रैप करेंगे और जो शुगर हमने लेके रखी है 1/2 कप वो हम इसमें ऐड करेंगे और एक बार मिक्स कर देंगे, वरना शुगर उड़ने लग जाती है तो हमारा जो किचन है वो गंदा हो जाएगा। तो इसको पहले हल्के से मिक्स कर देंगे और उसके बाद बटर और शुगर को हमें इतना बीट करना है कि ये एक बहुत जो पेल येलो कलर में आ जाए और फ्लफ़ी हो जाए। तो हमें इसको इतना बीट करना है। 4 मिनट बीट करने के बाद हमारा बैटर जो है हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे फिर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। हो चुका है यहाँ पे मक्खन और चीनी। अब हम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे, सारा 1 कप मैदा एक बार में नहीं डालेंगे, और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और क्रंची हमारी कुकीज़ बनके तैयार होती हैं, एकदम बेकरी स्टाइल। तो जब तक मैं ये मिक्स कर रही हूँ बैटर, तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इजी वेजी और टेस्टी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहें। और छोटू सा साइड में बेल आइकन होता है, उसे याद से क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पूरा मैदा इसमें मैंने ऐड कर दिया है, मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे फिर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से एक साथ मिल सके। अब ये काफ़ी ड्राई ड्राई लग रहा है, तो चलिए इसे फिर से 1 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं। 1 मिनट हमने अपने मिक्सचर को बीट किया और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, आराम से ये डो की फॉर्म में आ जाएगा देखिए, और हमारी कुकीज़ बनाने के लिए रेडी हैं। तो अब मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपका बटर सॉल्टेड है तो आप उसमें नमक ऐड मत कीजिएगा, और अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तब आप इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और एक चुटकी हमने जो नमक लेके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं नमक भी इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 पिंच। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बटर रेडी है, इसके किनारे जो है उनको अच्छे से स्क्रैप कर लेते हैं। और इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम 2 तरह के कुकी बना रहे हैं। तो 1/2 मैंने अलग कर लिया है और 1/2 ये देखिए 1/2 को मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी। तो कुकी के डो को हम 2 जगह डिवाइड कर लेंगे। देखिए 1/2 मैंने प्लेट में कर लिया है और 1/2 इसी में है। तो चलिए तैयारी करते हैं। ये जो 1/2 हमने बचाया है इसमें मैं मिला लूँगी थोड़े से चॉकलेट चिप्स और 1 टेबलस्पून जो मैंने कोको पाउडर लेके रखा था वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज़।
तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और घर में बहुत आराम से बन जाती है। तो जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी इजी रेसिपीज़ देख सकें और घर में आराम से बना सकें। और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए यहाँ पे हमारे दोनों जो कुकी डो हैं वो बन के रेडी हैं। ये बटर कुकी का डो हमारा रेडी है और ये चॉकलेट कुकीज़ का डो हमारा रेडी है। तो चलिए फटाफट से अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे विदाउट ओवन बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने इसको एक प्लेट जो है, देखिए इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके मैदे से अच्छे से डस्ट कर लिया है और इसको हम एक साइड करेंगे और जो है कुकी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लेंगे डो में से और इसे देखिए इस तरह गोल कर देंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखें, बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें, थिकनेस आप देख सकते हैं इसकी। और यहाँ मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं, वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। ये देखिए हमारी एक चॉकलेट कुकी बनके रेडी है, दूसरी बनाएंगे इसी तरह से, फ्लैट करेंगे, चॉकलेट चिप्स ऊपर से लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से सारे ही चॉकलेट कुकीज़ जो हम बना के तैयार करेंगे और इसी तरह से हम जो है नॉर्मल जो बटर कुकी है वो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए फ्लैट करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप्स लगा सकते हैं, टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं, या अपने मनपसंद के कोई भी स्प्रिंकलर्स लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी फैंसी कुकीज़ पसंद है जो देखने में अच्छी लगती हैं, तो मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा ये वाइट वाला जो हमारा बटर कुकी डो है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और उससे इस तरह की मैंने एक कुकी बनाई है। तो देखिए अगर आप लोगों को थोड़ी अच्छी देखने में लगे कुकी, हाँ आपको वैसी बनानी है, तो आप पाइपिंग बैग में इस बैटर को डालिए और आराम से आप इसे देखिए तो ये बहुत देखने में भी अच्छी लगती हैं और अट्रैक्टिव भी काफ़ी होती हैं। तो आप चाहे तो हाथ से बना सकते हैं, चाहे तो आप पाइपिंग बैग में डाल के इसको आराम से बेक कर सकते हैं और इसके ऊपर अपनी मनपसंद की कोई भी टॉपिंग जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक दूसरी तरह की कुकी बनाना सिखाती हूँ। तो बटर कुकी डो में से एक छोटा सा लेंगे पेड़ा, राउंड करेंगे, फ्लैट कर देंगे और एक स्पून लेंगे, स्पून की मदद से इस तरह से देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना लिया हमने। जो हमने चॉकलेट कुकी का डो बनाया है उसमें से हम थोड़ा सा लेके देखिए बिल्कुल छोटा सा मैंने लिया है उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए लग रहा है ना देखने में कितना सुंदर। तो ये देखिए इसी तरह से हम चॉकलेट चिप वाले जो हमने बनाए हैं, देखिए पेड़ा लेंगे, फ्लैट करेंगे, अब हम लेंगे एक फोक, फोक की हेल्प से हम इस पर इस तरह से देखिए बना देंगे और ऊपर से लगा देंगे चॉकलेट चिप्स। ये आपकी चॉइस पर है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। तो ये देखिए हमारा एक अलग तरह का बिस्किट और तैयार हो गया है। इसी तरह से आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और कितने एक डो से कितने बिस्किट आप बना सकते हैं। तो चलिए एक पैटर्न में और आपको सिखा देती हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे गोले लेंगे, ये देखिए सेम साइज़ के लीजिएगा कोशिश करके। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बना देगी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो। ये देखिए तो ये देखिए एक फ्लावर टाइप का ये बन गया है हमारा। अब हम लेंगे कुकी डो वाइट वाला बटर वाला और इसका एक डो बनाएंगे, राउंड बॉल बनाएंगे और इसे हम इस तरह से बीच में। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर वाला, ये देखिए ये बेक होने के बाद सेट हो जाता है। तो ये हमारा फ्लावर जो है बिस्किट रेडी है, इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे हाथ से, देखिए। तो ये हमारा फ्लावर वाला बिस्किट रेडी हो गया। तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह से बिस्किट क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फटाफट अब हम इन्हें सारे बिस्किट बना के तैयार करते हैं और अब हम इन्हें बेक करेंगे। मैं इन्हें जो है वेसल में बेक करने वाली हूँ। तो मैंने वेसल को जो है आधे घंटे के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम हीट पर।
तो हमारा वेसल भी बेक हो गया है, प्री हीट हो चुका है और बिस्किट भी हमारे ऑलमोस्ट डन है। फटाफट इसको बना के और फिर हम इसे बेकिंग पे दे रखें। तो हमने अपने सारे बिस्किट्स को बना के तैयार कर लिया है, देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो हमने जो बेक होने के लिए प्री हीट होने के लिए अपना वेसल रखा था वो अच्छे से प्री हीट हो चुका है, अच्छी हीट इसमें आ रही है और इसे हम बहुत ध्यान से इसके अंदर रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए लो हीट पर इसको बेक करेंगे। अगर आप लोग इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो 170 डिग्री प्री हीटेड ओवन पे आप इसको 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अब हम इसे किसी भारी चीज़ से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे ये जब तक डन हो जाएंगे। तो कुकीज़ को बेक होते हुए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ तो देखिए हमारी कुकीज़ बहुत अच्छे से बेक होके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें बहुत आराम से बाहर निकाल लेंगे, अपने हाथों को जलाना नहीं है और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे टोटली एकदम ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है, छूने से टूट जाएंगी। तो जैसे जैसे 15-20 मिनट होंगे या ठंडी होंगी तो अपने आप ये खस्ता और क्रंची हो। तो देखिए यहाँ पे हमारी कुकीज़ बन के रेडी हैं और देखिए कितनी अच्छी बेक हुई हैं। इन्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि आपने इनको घर पर बनाया है और विदाउट ओवन बनाया है। तो देखिए अ प्लेट फुल ऑफ हैप्पीनेस, यस अ प्लेट फुल ऑफ हैप्पीनेस। कोई सी भी कुकी देखिए आप, कितनी अच्छी बेक हुई है हमारी, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो देखिए अब तो मेरी कुकीज़ भी बनके रेडी हो गई हैं और इनकी खुशबू आपके घरों तक भी पहुंच गई होगी। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों, थोड़ा दिल बड़ा करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ऐसी अच्छी अच्छी कुकीज़ बना के खाओ। तो ये देखो कितना अच्छा टेक्सचर आया है, ये देखिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी और आप घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत आराम से बन जाती है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाना चाहूँगी, तो कोई सी भी कुकी आप उठा के देख लीजिए, देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची बनी है, ये देखिए और कितनी अच्छी बेक हुई है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।